दोस्तों, वैसे तो आप जानते हैं कि Realme 2 Pro जो है कुछ ही दिन में, एक दो दिन, चार पांच दिन में कभी ना कभी निकल के आ रहा है। साथ ही जो है Vivo की भी Z सीरीज यहाँ पर निकल के आ रही है, जो कि बीट कर सकती है Realme सीरीज को। दोनों की यहाँ पर टक्कर चल रही है घमासान। और जो Realme सीरीज निकल के आई थी Xiaomi की, जो मतलब Redmi की सीरीज यहाँ पर निकल के आई थी बजट में, उसको बीट करने के लिए अब यहाँ पर ओप्पो को बीट करने के लिए Vivo लेकर आ रहा है। लेकिन काफ़ी सारे मतलब कमेंट आए, जो मैंने वीडियो बनाया था जिसके अंदर आपको काफ़ी सारी स्पेसिफिकेशन का अंदाज यहाँ पर बताया था, कैमरा वगैरह। तो कुछ लोग बोलते हैं कैमरा ये हो सकता है, ठीक है, 2-3 मेगापिक्सल में इधर का उधर हो जाएगा, तो क्या फर्क पड़ जाएगा 2 मेगापिक्सल के अंदर, वो भी एक अलग बात है। पर ये ज्यादा लंबा वीडियो यहाँ पर नहीं बनाने वाला हूँ, जल्दी से मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ बात क्या है। इसकी प्राइस को लेकर भी काफी सारे यहाँ पर इश्यू वाले कमेंट मेरे पास निकल के आ रहे हैं, तो किसको पता है कि इसकी प्राइस यहाँ पर क्या रहने वाली है। फिर भी जो है टारगेटेड जो है यहाँ पर कुछ अंदाजे मैंने लगाए हैं, और लगभग वो सही ही होते हैं हमेशा, जो मैं वीडियो बनाता हूँ लगभग 1000-2000 ऊपर से यहाँ पर हो जाते हैं, तो इतने में आपको यहाँ पर क्या फर्क पड़ने वाला है। मैं तो सिर्फ यही चाहता हूँ कि आप तक जो डिवाइस पहुंचे या फिर आप जो स्मार्टफोन यूज में ले, जो आपके हाथ में है, वो कम प्राइस के अंदर ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर फीचर निकाल के दे। मुझे क्या फर्क पड़ता है कि आप ज्यादा महंगा फोन खरीदो या फिर सस्ता खरीदो, आपका जितना बजट है उतने बजट में आपको एक अच्छा फोन यहाँ पर मिलना चाहिए, यही मेरा उद्देश्य यहाँ पर रहता है। और उस वीडियो को बनाने का भी यही उद्देश्य था कि जो Realme का 2 Pro निकल के आ रहा है उसके अंदर ऊपर की तरफ वाटर ड्रॉप नॉच दी गई, अंदर जो है स्नैपड्रैगन का CPU दिया गया है, 8 GB उसमें रैम होने वाली है, फिर भी जो बजट में होने वाला है तो हो सकता है 6 GB रैम लगभग 13-14 हजार में मिल जाए, या फिर 4 GB रैम का हो जो कि आपको 13 मिल जाए, और 6 GB का जो हो 14 या 15 में मिल जाए, और फिर 8 GB का यहाँ पर जो आइडिया लगाया वो लगभग 18 हजार रुपए का लगाया। इसके हिसाब से जो पहले चल रहा है 4 GB, 6 GB, 8 GB, उससे यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पीछे की तरफ जो कैमरा सेटअप है, ठीक है, आपको कैमरा यहाँ पर पसंद होता है सेल्फी लेने के लिए, फ्रंट कैमरा जो है 16 मेगापिक्सल भी हो सकता है, लेकिन जहां तक काफी सारी वेबसाइट मतलब सैकड़ों वेबसाइट छानने के बाद जो है ये निर्णय यहाँ पर लिया गया है 8 मेगापिक्सल यहाँ पर हो सकता है। कुछ वेबसाइट यहाँ पर 16 मेगापिक्सल बता रही है, कुछ वेबसाइट जो है रियर कैमरा यहाँ पर 16+5 मेगापिक्सल बता रही है, कुछ वेबसाइट जो है यहाँ पर 13+5 बता रही है, 13+2 भी बता रही है। तो अलग अलग में यहाँ पर क्या फर्क पड़ता है इतने के अंदर, लेकिन फिर भी जो हम इतने नजदीक यहाँ पर पहुंच जाते हैं लगभग 80-90% बातें मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ एक वीडियो बनाकर, तो उसे आप यहाँ पर गलत साबित मत किया करो। पहले से ही मतलब अभी तक स्मार्टफोन निकल के नहीं आया, ना ही किसी ने मुझे यहाँ पर कंपनी ने कॉल करके बताया कि मतलब इसमें ये होने वाला, आप ये बताइए, मुझे यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी से। मैं अपना यहाँ पर जो है दिमाग यूज में लेता हूँ, और पिछले जो स्मार्टफोन निकल के आए हैं उन्हीं के हिसाब से कंपनी का जो आगाज है या फिर जो अगला कदम है उसके बारे में यहाँ पर आइडिया लगाता हूँ। ठीक है, सभी लोग यहाँ पर आइडिया नहीं लगा सकते हैं। काफी लोग मुझे कमेंट करते हैं कि न्यूज कहाँ से आती है, ये स्पेसिफिकेशन किसने दी आपको, कंपनी ने कॉल किया था क्या, काफी सारे ऐसे कमेंट आते हैं। तो ऐसी बातें मत किया करो, मतलब खुशी होती है आपके कमेंट आते हैं तो, लेकिन अच्छी बात किया करो, कुछ जानना है, कुछ पूछना है, इस प्रकार की यहाँ पर बातें करें तो काफी अच्छा रहेगा। वैसे जो है स्पेसिफिकेशन निकल के कहीं से नहीं आती है, यहाँ पर ये आइडियाज ही लगाए जाते हैं कि इस फोन में ये था तो इस फोन में ये हो सकता है, लगभग वो आइडिया जो है मेरे यहाँ पर सही होते हैं, और जब निकल के आ जाएगा तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि मुझे खुद को नहीं पता है। फिर भी हम यहाँ पर उससे नज़दीक जाने की कोशिश करते हैं कि लगभग इसमें हो क्या सकता है, पिछले में ये दिया उससे पिछले में ये था, तो उसी प्रकार से जैसे कि आप एग्जाम देते हो कि पिछली मतलब एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चंस आए थे तो अब की बार जो इस प्रकार का सिलेबस होगा कि नहीं होगा, उसी प्रकार से जो है स्टडी के हिसाब से यहाँ पर आइडियाज लगाए जाते हैं। तो हर चीज़ इसी प्रकार से यहाँ पर चलती है, और टेक्नोलॉजी की दुनिया में जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हर स्मार्टफोन में यहाँ पर यूज नहीं होती है, और जिसके अंदर यूज होती है उसकी प्राइस तो मतलब आसमान छूती यहाँ पर नजर आती है। वीडियो को ज़्यादा लंबा मैं यहाँ पर नहीं करना चाहूँगा दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें, नेक्स्ट वीडियो यहाँ पर जल्दी मैं आपके लिए लेके आऊँगा। आशा करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी, मतलब इस प्रकार की हम यहाँ पर बातें तो नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी जो है ये वीडियो मुझे यहाँ पर बनाना पड़ा। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सवाल सुझाव कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।